नमस्कार, आज हम देखेंगे D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व की जांच कैसे करते हैं, WDG4, WDG4D, WDP4, WDP4D और अन्य सभी उन लोगों में जिनमें CCB ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है उनमें D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व की जांच कैसे करेंगे, ये वीडियो इसी के संबंध में है। यदि आप जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, यदि नहीं जानते हैं आप जानना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम अंत तक इसके संबंध में बात करेंगे और देखेंगे प्रैक्टिकली किस प्रकार D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व की जांच की जाती है। सबसे पहले हम सारे प्रेशर तैयार करेंगे, जैसे MR का प्रेशर 8 kg सेमी स्क्वायर से अबव, ER प्रेशर 5 kg सेमी स्क्वायर से ऊपर, ब्रेक पाइप प्रेशर 5 kg सेमी स्क्वायर से ऊपर, VC प्रेशर 5 kg सेमी स्क्वायर से ऊपर और साथ ही साथ में एयर फ्लो इंडिकेटर का 0 तक होना भी सुनिश्चित कर लें। उसके बाद आप कंटिन्यूटी करें। सही नियम यही है इसका D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व की जांच करना के लिए, सबसे पहले आप कंटिन्यूटी की जांच कर लें, नियम अनुसार कंटिन्यूटी करें और कंटिन्यूटी करने के बाद में वापस से सारे प्रेशर को फिर से तैयार होने दें। निर्धारित मात्रा में सारे प्रेशर तैयार हो जाएं, उसके बाद में हम D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व की नियम अनुसार जांच करेंगे। D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व की लोकेशन जान लें। सबसे पहले हम D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व सिंगल कैब लोको में जहां लोको पायलट बैठता है वहां आप देखेंगे लेफ्ट साइड में बिल्कुल घुटने के पास में एक हैंडल लगा हुआ है, जिसे अक्सर साइडों ने लाल कलर से पोता हुआ है। आप देख सकते हैं ये ऊपर टॉगल स्विच लगे हुए, लाइट के टॉगल स्विच, फैन आदि के, फ्लैशर लाइट का यहाँ से टॉगल स्विच है। ये देखिए ये थ्रोटल हैंडल, थ्रोटल हैंडल के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं ये D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल का हैंडल लगा हुआ है जो लाल कलर से पोता हुआ है। दोनों कंट्रोल स्टैंडों में यही लगाया जाता है, सिंगल कैब लोको है और इसकी लोकेशन सभी लोगों में एक समान स्थान पे मिलती है। ड्यूअल कैब है तो असिस्टेंट साइड में ये D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल का हैंडल लगाया जाता है। एक्चुअली D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल कंट्रोल स्टैंड के नीचे लगा हुआ है, ये उसका लीवर या हैंडल जो भी आप बोलना चाहें, वैसे हैंडल बोला जाता है वही लगा। दोस्तों अब हम D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व की जांच करें। LT स्विच आप देख रहे हैं वर्किंग कंट्रोल स्टैंड का लीड वे है, प्रेशर MR प्रेशर 9 kg सेमी स्क्वायर, ER प्रेशर 5 kg सेमी स्क्वायर, ब्रेक पाइप BP प्रेशर 5 kg सेमी स्क्वायर, BC प्रेशर 5 kg सेमी स्क्वायर है, एयर फ्लो इंडिकेटर आप देख रहे हैं 0 पे है। वर्किंग कंट्रोल स्टैंड का LT स्विच को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए वर्किंग कंट्रोल स्टैंड का LT स्विच लीड वे है। चलते हैं नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड की जांच करने के लिए। नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड का LT स्विच ट्रेल पे होना चाहिए। देखिए ट्रेल वे है नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड का LT स्विच। अब हम D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व की जांच करें, उससे पहले वर्किंग कंट्रोल स्टैंड के LT स्विच को टेस्ट मोड में होना सुनिश्चित अवश्य कर लें। LT स्विच को लीड से टेस्ट मोड में कर दें, उसके बाद में D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल के हैंडल को ऊपर की तरफ उठाएं, पूरा ऊपर की तरफ उठाएं। जैसे उठाएंगे देखेंगे ब्रेक पाइप प्रेशर 0 हो गया है, क्योंकि D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल सीधा ट्रेन पाइप से जुड़ा रहता है। जैसे ही आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये ट्रेन पाइप के पूरे प्रेशर को 0 तक ड्रॉप कर देगा और पूरे रेक में इमरजेंसी अप्लाई कर देगा। जैसे आपको D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व को रीसेट करना हो, हैंडल को पूरा नीचे की तरफ दबा दें, जो आपने अभी ऊपर उठाया था उसको पूर्णतः नीचे की तरफ दबा दें। D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व के हैंडल को आपने पूर्णतः नीचे की तरफ दबाना सुनिश्चित कर दें आपको जब रीसेट करनी हो इमरजेंसी। और LT स्विच आप देख रहे हैं अभी टेस्ट मोड में था, ई है और BP प्रेशर भी 0 है, ब्रेक पाइप प्रेशर अभी 0 है, क्योंकि अभी रिसेट करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व के हैंडल को बस आपने नीचे की तरफ दबाया है। LT स्विच को आप टेस्ट से लीड पे लाएंगे,
रिसेट करने की प्रक्रिया में एलटी स्विच जो टेस्ट मोड पे किया था उसको लीड पे लाएंगे, ऐसे ही बीपी प्रेशर सीधा 5 kg क्रिएट होगा, इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी रिकवर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पेनल्टी लगेगी नहीं। तो दोस्तों ये लाइव था आपको D1 इमरजेंसी फ्लैप वाल्व की जांच करने का तरीका, संभवतः मैं समझना हूं आपको समझ में आ गया है, यदि कुछ कमी रह गई हो तो इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ये एक अकेला चैनल है रेलवे अपडेट जो आपको लाइव वीडियो देता है। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो।